जगह पर बैठ जाएं। मेरा माहौल मत बिगाड़ो बेटा। ये अभी बहुत प्यारा अंदाज आपने आमिल आरिफ का देखा। कलाम इस नाचीज का जरूर था, लेकिन उस कलाम में रंग भरने वाला फनकार बड़े नाज से मैं कहता हूं मेरा भाई आरिफ आमिल, जिसकी मेहनत ने इस कलाम को संवारा। और जैसे कि आमिल को मेरा कलाम पसंद होता है, तो मुझे भी आमिल की तर्जें पसंद होती है। इसकी तरह मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन सैयद साहब मतला दे रहा हूं निस्बत का, मतले पे गौर करना, सुनना आमिल। और जो हाजरीन हकीकत में कलाम सुनना चाहते हैं उनसे तवज्जो चाहूंगा, बाकी जो लोग लफड़े करना झगड़े करना चाहते हैं वो झगड़ा करें लफड़ा करें, बिल्कुल आरिफ शाह कादरी की महफिल का ख्याल ना करें। अगर बेअदब लोग हैं आप लोग, कम से कम ये सोचो कि अल्लाह के वली की महफिल है ये, थोड़ा अपना जलाल पर काबू पालो। और जिससे भी बात करनी हो मोहब्बत से करो, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है बेटा। थोड़ा सा मैं थोड़ा मुड़ रहा हूं। आप लोग जो साउंड वालों के पीछे जो खड़े हो बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, आप लोग भी बैठ जाओ। मैं तो पी की लगन में ऐसी जली, मैं तो पी की लगन में ऐसी जली। सर साहब जो तर्ज आपने सुनी उसी तर्ज को लेके चल रहा हूं, लेकिन निस्बत का मतला देखना आमिल बेटा, ये मतला सुन के जाना। हाँ तू वहां से हवा लेते रहे, मैं यहां से तुझे गर्म कर दूंगा देखना। और जैसे कि आमिल ने कहा कि गरीब नवाज का बेशक इस गुनाहगार पे से मेरे सरकार, गरीब नवाज का बेशक बहुत बहुत करम है मेरे सरकार का कि हर अल्लाह के वली की महफिल में अल्लाह इज्जत रख लेता है अजीम की। आप जैसे भाई लोगों ने अजीम को दिल में बसा रखा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सरा पाओ मेरे रूबरू तो बात बने, तसल्ली दिल को ये तस्वीर से नहीं मिलती। बेटा मेरी तरफ देखो, सरापा यानी सर से लेके पैर तक, सरापा आओ मेरे रूबरू तो बात बने, तसल्ली दिल को ये तस्वीर से नहीं मिलती। मेरी निगाह ने चेहरे हजार देख लिए, किसी की शक्ल मेरे पीर से नहीं मिलती। साहब अक्सर जो दीवाना होता है अपने पीर का, तो उसकी जुबान पे एक ही बात रहती है हमेशा, मेरा सनम मेरा सनम। तो जिससे मोहब्बत करता है उसी का नाम लेता है, खाता है तो बोले मेरा सनम खिला रहा है, सो रहा है तो बोले मेरा सनम सुला रहा है, जाग रहा है तो मेरा सनम जगा रहा है। इससे कुछ लोग तंग आ जाते हैं, बोले तू क्या सनम 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 सनम, आखिर क्या है तेरा सनम, क्या है सनम क्या है? तो कहता है कि जमी पे उससे हसी महताब कोई नहीं, जमी पे उससे हसी महताब कोई नहीं, चमन के फूलों में ऐसा गुलाब कोई नहीं। अजल से ढूंढने वालों को इतना बतला दो, सनम सनम है सनम का जवाब। जवाब
आइए अभी आपने बहुत अच्छे अंदाज में अजीम का कलाम सुना और ये कलाम भी टूटा फूटा अजीम का ही लिखा हुआ आपके सामने रख रहा हूँ। जुबैर हाँ थोड़ी देर की छुट्टी देते घर वालों को, मतलब सुन बेटा। या मेरे आरिफ शाह इस गदा को, इस गदा को या मेरे आरिफ शाह इस गदा को जहां में आला मकाम लिख दो, लिख दो, क्योंकि पीर जब लिख देता है तो कोई मिटा नहीं सकता। या मेरे आरिफ शाह इसी गदा को जहां में आला मकाम लिख दो, जमाने को दे दो बादशाही, जमाने को दे दो बादशाही, मुझे तुम अपना गुलाम लिख दो। आरिफ शाह बाबा आमिल अपने पीर से मुरी, आरिफ शाह बाबा के दरबार में जाता है और कहता है, तरीकत में भी तू रस्म शरीयत को निभाता है, बज़ाहिर सो के तुर्बत में जमाने को दिखाता है, अगर मेरा अकीदा है कि ऐसा हो नहीं सकता, विलायत जागती है जिसमें वो तो सो नहीं सकता, तू अपने आप को मुझसे जुदा तो कर नहीं सकता, तू पर्दा कर तो सकता है मगर तू मर नहीं सकता, कर तो सकता है मगर तू मर नहीं सकता। आमिल ये बच्चा जो अभी आया, ये
शागिर्द है तेरे भाई का, अजीम का। और यहाँ एक और शागिर्द मेरे साथ बैठा हुआ है, ये समीर नाजम। यहाँ पर मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे सुनने आए हैं। और सैयद साहब, इंशाल्लाह आज प्यासा नहीं रखूंगा। जुबैर, गलत हो रहा बेटा, गलत। अबे फिर जिंदगी रहे ना रहे, फिर अजीम को तरस जाएगा सुनने को, फिर वही यूट्यूब में देखते रहना। अदब, मुरीद अपने पीर से कोई सवाल कर ही नहीं सकता, यह अदब है तरीकत का, यह अदब है। जो लोग सुन रहे हैं उनसे तवज्जो चाहूंगा, बच्चे लोग जितने भी हैं, अपने अपने जो बेचारे जिनको सुनना नहीं आता है, जो सुनना नहीं जानते वो क्या करेंगे, फिर यही सब करेंगे। लेकिन जो लोग गौर से सुन रहे हैं उनसे तवज्जो। सैयद साहब, आमिल मुरीद अपने पीर से सवाल कर ही नहीं सकता, यह अदब है। मगर अब यहाँ मजबूर हो गया, मुरीद अपने पीर से पूछ रहा है, अपने पीर से पूछ रहा है, कहता है, तेरे चेहरे पे है पर्दा या मेरी आंखों पर, तेरे चेहरे पे, सही साहब मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, तेरे चेहरे पे है पर्दा या मेरी आंखों पर, तू अगर तू है तो मुझको भी बता के तू है, क्यों इन आंखों को अजब तौर नजर आता है, तेरी सूरत में कोई और नजर आता है। पर्दा या मेरी आंखों पर, तू अगर तू है तो मुझको भी बता के तू है, क्यों इन आंखों को अजब तौर नजर आता है, तेरी सूरत में कोई कोई और नजर आता है। तो पीर जवाब दे रहा है, पीर का जवाब समाप्त करें। चश्मे निस्बत से, अकीदत से, अदब से देखा, चश्मे निस्बत से, अकीदत से, अदब से देखा, मैं तो खुद मैं ना रहा यार को जब से देखा। माशाल्लाह, या मेरे आरिफ शाह मुझ गदा को जहां में आला मकाम लिख दो, जमाने को दे दो बादशाही, जमाने को मुझे तुम अपना गुलाम लिख दो। जब किसी से निस्बत हो जाती है तो वहां से बरकतों का मामला शुरू हो जाता है, और यही बरकतों का सबूत है एसके हिंद फूड मसाला, जो माशाल्लाह हमारे सैयद साहब जिस ईमानदारी और जिस ईमान के साथ इसको लेकर चल रहे हैं, अल्लाह इनके कारोबार में और बरकत अता करे। पीर के सदके में, मेरे गरीब नवाज के सदके में, पंजतन पाक के सदके में, और ये तो सैयद और सादात है, ये अगर किसी को दुआ दे दे तो इनकी दुआएं लग जाती है, हम तो गुनाहगार लोग हैं। सैयद साहब, दूसरा मतलब सुनना,
मेरे शहर बेंगलोर से बहुत सारे अजीज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और मेरे दोस्त मेरे भाई जनाब अजीज भाई जनाब बाबू भाई तशरीफ लाए हैं, मुझे यहाँ तक सुनने आए हैं। और अमन भाई अमान भाई माशाल्लाह अहमद भाई मतलब सुनना बेटा आमिल बेटा आप लोग भी आपसे भी तवज्जो खास करम तुम्हारा है साथ जिनके करम तुम्हारा है साथ जिनके उन्हीं में मेरा भी नाम लिख दो करम तुम्हारा है साथ जिनके उन्हीं में मेरा भी नाम लिख दो तुम्हारे कदमों में ही गुजारूं तुम्हारे बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि अजीम नाजा बहुत हल्के कलाम पढ़ता है। ख्वाजा का मेला अरेला फलाना फलाना ऐसा वैसा। अब जरा निस्बत पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाए साहब, और निस्बत के जानने वालों से तवज्जो चाहूंगा। आमिल ये भी तेरे भाई की शायरी है, देख बेटा जरा यहां देख लो यार, इधर उधर मत देखो। मेरा अरिशा क्या है कतरा भी खुद पर्दा भी खुद हाँ कतरा भी खुद दरिया भी खुद अदना भी खुद आला भी खुद पर्दा भी खुद जलवा भी खुद मंजिल भी खुद रास्ता भी खुद। एक एक मिसरा ए बाबा ए मत करो यार, पूरी रात हो गई हम लोगों को, कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोग सुन सके, धीरे धीरे करके आप लोग बिल्कुल अंदर आ चुके हैं, जरा थोड़ा सा अंदर हो जाए, बैठ जाओ, हो सके तो बैठ के सुनो, इसमें आप लोगों को भी सुकून रहेगा और मुझे भी सुनाने में सुकून लगेगा। बैठ आमिल है उसको देखो, मुझे तो सिर्फ सुनो आप लोग बस। शेजा सुनना, मेरा पीर क्या है, मेरा आरिशा क्या है, कतरा भी खुद दरिया भी खुद अदना भी खुद आला भी खुद पर्दा भी खुद जलवा भी खुद मंजिल भी खुद रास्ता भी खुद खुद मुक्तदी खुद ही इमाम सजदा भी खुद खुद ही सलाम मालिक भी खुद खुद ही गुलाम खुद ही मुकीम खुद ही मकाम खुद ही जो समझदार है उनसे तवज्जो चाहूंगा, जो अहले निस्बत है उनसे तवज्जो चाहूंगा, जो तरीकत को समझते हैं उनसे तवज्जो चाहूंगा, नादानों की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। एक एक मिसरा बगौर
खतरा भी खुद, दरिया भी खुद, अदना भी खुद, आला भी खुद, पर्दा भी खुद, जलवा भी खुद, मंजिल भी खुद, रास्ता भी खुद, खुद मुक्तदी, खुद ही इमाम, सजदा भी खुद, खुद ही सलाम, मालिक भी खुद, खुद ही गुलाम, खुद ही मुकीम, खुद ही मकाम, खुद ही मुकीम। कैसे कैसे वो बेखुदी में खुदी को मिटाए बैठा है, वो बेखुदी में खुदी को मिटाए बैठा है, लिबास हूँ मैं खुदा को छुपाए बैठा है। अदना भी खुद, आला भी खुद, पर्दा भी खुद, जलवा भी खुद, मंजिल भी खुद, रास्ता भी खुद, कतरा भी खुद, दरिया भी खुद, अदना भी खुद, आला भी खुद, पर्दा भी खुद, जलवा भी खुद, मंजिल भी खुद, रास्ता भी खुद, खुद मुक्तदी, खुद ही इमाम, सजदा भी खुद, खुद ही सलाम, मालिक भी खुद, खुद ही गुलाम, खुद ही मुकीम, खुद ही मकाम। वो बेखुदी में खुदी को मिटाए बैठा है, वो फरमा रहा है, अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है, जो मेरा हो जाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ, उसका दिल बन जाता हूँ, उसकी नाक बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ। वो बेखुदी में खुदी को मिटाए बैठा है, लिबास हूँ मैं खुदा को छुपाए बैठा है। जमाने को दे दो बादशाही, मुझे तुम अपना गुलाम लिख दो। अब जरा शेर सुने साहब। उजाले हो या अंधेरे आरिफ, उजाले हो या अंधेरे आरिफ, उजाले हो या अंधेरे आरिफ। आमिल, ये जब भी कोई कलाम लिखता हूँ निस्बत के ताल्लुक से, तो मैं अपने सरकार गरीब नवाज के तस्वीर में मैं कलाम लिखता हूँ, लेकिन आज की रात मैं आरिफ शाह का नाम से कलाम पढ़ रहा हूँ। जरा शेर सुनना। अंधेरे उजाले हो या अंधेरे आरिफ, तुम ही तो हो साथ मेरे आरिफ, जिस घड़ी तुमको भूल जाऊं, मैं जिस घड़ी तुमको भूल जाऊं, वो लम्हा मुझ पे हराम लिख दो, वाले इश्क की दुनिया में आके देख, ये दुनिया अलग है और इश्क की दुनिया अलग है। थोड़ा मेरा माइक बढ़ा दो। ये दुनिया अलग है और इश्क की दुनिया, इश्क की दुनिया अलग है। इश्क की दुनिया में जाना हो तो दुनिया को भूलना पड़ता है,
अब जरा समाज करें आमिल कंटिन्यूटी देखना स्टेप बाय स्टेप। कुछ लोगों ने हल्के में ले लिया मुझे, अजीम नाजा तो ऐसा ऐसा ही लिख देता है यार। अब जरा आओ शायरी सुनो। ऐ दुनिया वाले इश्क की दुनिया में आके देख, गर रब को समझना है तो सजदे में जाके देख, सजदे को समझना है तो सर को कटा के देख, गर सर को समझना है तो दर पे झुका के देख, गर दर को समझना है तो खुद को मिटा के देख। समाप्त करें, बात अभी खत्म नहीं है। ऐ दुनिया वाले इश्क की दुनिया में आके देख, घर रब को समझना है तो सजदे में जाके देख, सजदे को समझना है तो सर को कटा के देख, घर सर को समझना है तो दर पे झुका के देख, घर दर को समझना है तो खुद को मिटा के देख। इतने पे भी अगर ना तुझे आए कुछ समझ, इतने पे भी अगर ना तुझे आए तो चेहरे से अपने पीर के पर्दा उठा के देख। मौत बरहक है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और ये भी सच है कि कब्र में सवाल होने हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, चाहे पीर हो, चाहे मुरीद हो, कब्र में सवाल होने हैं। अब जरा शेर समाप्त करें साहब। लहत में आएंगे जब फरिश्ते, जवाब उनको क्या दे सकूंगा, जवाब उनको क्या दे सकूंगा। ये इल्तिजा है के दिल पे मेरे, ये इल्तिजा है के दिल पे मेरे, ऐ पीर तुम अपना नाम लिख दो। के दिल पे आरिफ ऐ पीर तुम अपना नाम लिख दो। मुरीद को पीर से बहुत सी उम्मीदें रहती है, बहुत सी उम्मीदें, और पीर ने यह भी कह दिया कि मेरा दामन तेरे हाथ में है, बेफिक्र हो जा। मगर अब मुरीद कह रहा है कि मैं कुछ और मांग रहा हूं। अब मांग क्या रहा है तवज्जो फरमा। तुम्हारे दामन में आ गया हूं, निस्बत की मांगता हूँ, सनद स्टैम्प स्टैम्प जो वहां तक काम आए। तुम्हारे दामन में आ गया हूँ, सनद ये निस्बत की मांगता हूँ, भरोसे में है शर मेरे भी हिस्से, भरोसे में है सच मेरे भी हिस्से,
में आए कौसर का जामुन मेरे आरिफ शाह रहमतुल्लाह अलैह की महफिल है, मगर ये जो शेर आप पढ़ने जा रहा हूँ आमिर, ये मैंने अपने गरीब नवाज से बतौर इल्तिजा ये शेर लिखा, और इस शेर पे मैं मेरे सरकार गरीब नवाज को अपने तस्वुर में रख के शेर पढ़ रहा हूँ। आप अपने अपने पीर के तस्वुर में रहें। जो लोग अजीम को जानते हैं, आमिल तुम तो मैं तो भाई हूं तुम्हारा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, झूठी दौलत की है तमन्ना, झूठी दौलत की है तमन्ना, ना शोहरतों की मुझे हवस है, तमन्ना। ये इसका मेरे पास टिके रहने का सबब यही है कि ये जानता है अजीम को, आज 10 साल हो गए आसिफ को मेरे साथ रहकर, तो इसे ये जानता है कि मेरा भाई कैसा है, मेरा कव्वाल कैसा है, मेरा उस्ताद कैसा है। ना झूठी दौलत की है तमन्ना, ना शोहरतों की मुझे हवस है, जमाना इज्जत से मुझको देखे, जमाना इज्जत से मुझको देखे, नसीब में वो मकाम लिखो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। वैसे आमिर से अच्छा नहीं गाता मैं, और यार मेरे को गाना बजाना आता तो हिंदुस्तान में धूम मचा देता वैसे। कैसे मेरा नाम कब होगा यार। अजीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद साहब मक्ता समाप्त करें, मक्ता मक्ता सुनना, बेटा सुनना। कलम ये कागज पे चल पड़ा जब, कलम ये कागज पे चल पड़ा जब, सदा सदा ये आई जमीर से तब, सदा ये आई जमीर से तब, कलम ये कागज पे चल पड़ा जब, सदा ये आई जमीर से तब, कबूल कर ले वो जिसको आरिफ, कबूल कर ले वो जिसको आरिफ, अजीम ऐसा कलाम लिख दो, मुझे तुम अपना गुलाम